हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे एपिसोड और जानते हैं कि क्या खास है आज के हमारे इस एपिसोड में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल जीडी टेकी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि हमारे वीडियोज के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो भी सब्सिडी दी जाती है, जो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है, वो तभी की जा सकती है अगर आपका जो अकाउंट नंबर है वो आधार के साथ लिंक हो। जैसे आपने देखा होगा ना, जो हमारे गैस सिलेंडर्स होते हैं उनकी सब्सिडी कैसे आती है, उस अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है जिस अकाउंट पे आपका जो आधार है वो रजिस्टर्ड हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे मोबाइल पे ना मैसेज आने शुरू होते हैं बैंक की तरफ से कि आपका जो अकाउंट नंबर है वो आधार के साथ लिंक नहीं है। लेकिन उस प्रॉब्लम में क्या आप अपने घर से ही ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि क्या आपका जो आधार नंबर है वो आपके बैंक खाते के साथ लिंक है या नहीं। आज की हम वीडियो में आपको यही बताएंगे कि अगर आपको किसी तरह से चेक करना हो कि क्या आपका अकाउंट नंबर जो है वो आधार के साथ लिंक है, तो आप किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें ब्राउजर ओपन करना होगा। वेब ब्राउजर ओपन करने के बाद हमें आधार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन करना होगा। तो मैं उसे ओपन करता हूं, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो देखिए दोस्तों, जो आधार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो क्या है, हमारे सामने ओपन हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद हमें मल्टीपल ऑप्शंस मिल रही हैं, गेट आधार, अपडेट आधार, आधार सर्विसेज। तो हमें क्या करना है, जहां पे लिखा है आधार सर्विसेज, तो आधार सर्विसेज को क्या करना है, ओके करना है। जैसे आप आधार सर्विसेज को ओके करेंगे तो हमारे सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा, जिसमें आधार की कुछ सर्विसेज हैं उनका उपयोग आप कर सकते हैं, जैसे वेरीफाई आधार, वेरीफाई रजिस्टर मोबाइल और ईमेल आईडी। उसके बाद हमारी ऑप्शन आ जाती है रिट्रीव आधार, जनरेट वीआईडी, उसके बाद ऑफलाइन आधार वेरिफिकेशन, और उसके बाद आ गई है हमारी आधार लिंकिंग स्टेटस। तो आधार लिंकिंग स्टेटस जो है, उस ऑप्शन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि जो आपका बैंक अकाउंट है क्या वो आधार के साथ लिंक है या नहीं। यहाँ पे ना आप लिखा भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है, व्यू योर आधार एंड योर बैंक अकाउंट लिंकिंग स्टेटस, कि आप इस ऑप्शन की मदद से क्या कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं क्या वो आधार के साथ लिंक है या नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, चेक आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो क्या हुआ, एक नया जो वेब पेज है वो हमारे सामने डिस्प्ले में आ गया। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसमें अपना आधार नंबर जो है वो फिल करना है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है, वर्चुअल आईडी है, तो आप वर्चुअल आईडी को भी फिल कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास आधार नंबर है तो मैं क्या करूंगा, जो 12 डिजिट का आधार नंबर है मैं इसमें फिल करूंगा। तो मैं आधार नंबर फिल करूंगा, उसके बाद फिर मैं कैप्चा कोड फिल करूंगा, उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करूंगा। तो चलिए मैं आधार नंबर और कैप्चा भरता हूं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। सो फ्रेंड्स, मैंने आधार नंबर और जो कैप्चा कोड है उसको भर लिया है। अब मैं सेंड ओटीपी पे क्लिक करता हूं। जैसे ही मैंने सेंड ओटीपी पे क्लिक किया तो क्या हुआ, वहां पे एक मैसेज लिखा गया, ओटीपी सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, चेक योर मोबाइल, कि आप अपने मोबाइल को चेक कीजिए, वहां पे एक ओटीपी सेंड किया गया है। तो मैं नीचे आता हूं, ये देखिए यहां पे आ गया ना एंटर ओटीपी। तो मुझे क्या करना होगा, अपने मोबाइल में से ओटीपी को यहां फिल करना होगा। तो मैं फिल करता हूं, तो ओटीपी फिल करने के बाद मुझे क्या करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। तो मैं सबमिट पे भी क्लिक करता हूं। जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद क्या हुआ, मेरे सामने एक नया वेब पेज आ गया, उसमें लिखा आ गया है चेक आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस, कंग्रेचुलेशन योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन, के मतलब जो आपका आधार नंबर है वो आपका बैंक के साथ लिंक है। किस बैंक के साथ लिंक है वो भी क्या हुआ, लिखा आ गया।
तो देखा दोस्तों, इतनी आसानी से हमने आज फिर से सीख लिया कि अगर आप चेक करना चाहते हैं कि क्या आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार कार्ड के साथ लिंक है, ताकि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडीज हैं उनका लाभ आपको मिल सके, तो आप किस प्रकार से ऑनलाइन भी इसे चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये आज का वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज यार इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल जीडी टेकी को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, विदा लेते हैं आपसे इसी वादे के साथ कि जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।